हेलो, दिस इज अभिजीत चौधरी द फिटनेस जोन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सो दिस इज माई टू फिट टैंक। एंड तुम लोगों को पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले इसमें एक सस्ता सा मॉन्स्टर टैंक बना रखा था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सभी फिशेस मर गई थी। फिलहाल ये टैंक ऐसे ही खाली पड़ा था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना इसको डम्बे और गप्पीज के लिए प्लांटेड टैंक बना दिया जाए। वैसे भी मेरे पास कुछ न्यू गप्पीज आए थे जो कि तुम लोगों को मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। तो फिलहाल तुमने टैंक को क्लीन करके सही जगह पर रख दिया जहाँ भी मुझे इसको रखना था। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्वा टेक्निक, जहाँ से हमारी ब्यूटीफुल डम्बे और गप्पी फिश आई थी। एंड तुम भी इनके पास से कई वैरायटीज की फिशेस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम की आईडी। फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया इनके इंस्टाग्राम आईडी का, तो सिंपली तुमको वहाँ पे डीएम कर लेना है और जो भी तुम्हें फिश ऑर्डर करना है वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल आगे तुम लोगों के लिए एक और फायदे की चीज है जो कि मैं आगे ही बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट लेयर यूज कर रहा हूँ सॉइल और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का, क्योंकि हम लोग को प्लांट्स ग्रो करना है और सॉइल और कंपोस्ट यूज करने से प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मैं इसमें कोई भी CO2 नहीं यूज करने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ। और अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए ये आइडिया एकदम बेस्ट होने वाला है। फिलहाल तो मैं पूरा सॉइल पीछे की तरफ ही फैलाऊंगा और पीछे की तरफ ही मुझे प्लांट्स भी ग्रो करना है। तो हाथों की मदद से मैं मस्त तरीके से पीछे की तरफ सॉइल का एक बेड बना लेता हूँ प्लांट्स के लिए। तो हमारा फर्स्ट लेयर सॉइल को लग जाने के बाद अब बारी है सैंड को यूज़ करने की, और सैंड को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कंस्ट्रक्शन साइड में यूज़ होने वाला सैंड को यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम लोग सैंड को यूज़ नहीं करते तो इससे जो होगा मिट्टी पूरा फैल जाएगा टैंक में, और जब भी तुम अपने टैंक को क्लीन करना चाहोगे तो उस तरीके से मिट्टी फिर फैल जाएगा और टैंक तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, साथ में एल्गी लगने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम सैंड को यूज़ कर लो। तो हमारा प्लांटेशन एरिया रेडी हो चुका है, अब बारी थोड़ा डेकोरेशन करने की। तो मैं स्टोन से कुछ डेकोरेट करूँ, थोड़ा बहुत बाउंड्री बना दूंगा, और आगे की तरफ जो तुम लोग को स्पेस दिख रहा होगा वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ छोटे छोटे से ग्रेवल। ओके, तो हमारा एक्वास्केप रेडी हो चुका है और अब बारी है प्लांट लगाने की। और मैं जितने भी प्लांट यूज करने वाला हूँ इस टैंक में, प्लीज उसके नाम मत पूछ लेना, क्योंकि मुझे आधे से ज्यादा प्लांट्स के तो नाम तक नहीं पता है, बस मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, सभी प्लांट लग चुके हैं और इसी के साथ हमारा एक्वास्केप कंप्लीट होता है। अब बारी है वाटर को ऐड करने की। ओके, तो हमारा टैंक रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 2 दिन के लिए ऐसे छोड़ने वाला हूँ, जिससे हमारे प्लांट और वाटर अच्छे से सेटल हो जाएगा, साथ में हमारा टैंक भी थोड़ा साइकिल्ड हो जाएगा। एंड में इसमें थोड़ा सा मैंने ओल्ड वाटर यूज़ कर लिया अपने पुराने टैंक का, जिससे हमारा पानी जल्दी साइकिल हो और गुड बैक्टीरिया जल्दी डेवलप हो सके। तो 2 दिन बाद मिलते हैं, तब हम लोग इसमें अपने फिश को रिलीज़ करेंगे। तो 2 दिन बाद हाल कुछ ऐसा है, हमारा पानी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। एंड मैंने इसमें पहले से फिल्टर और एयर पंप हीटर दोनों ऐड कर दिया है। फिलहाल अब बारी हमारे डम्बो एयर गप्पीज को रिलीज करने की। तो ये रही हमारी डम्बो एयर गप्पीज, और इनको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा जिससे इनका पानी का टेम्परेचर अच्छे से मैच हो जाए। साथ में तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग एक्वा टेक्निक से गप्पी फिश खरीदते हो तो उनको बता देना द फिटनेस जोन 10, तो तुमको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट 1000 की शॉपिंग पर, और मेरा रेफरल कोड है द फिटनेस जोन 10। ओके, तो फिश को मैंने अच्छे से एक्लिमेट कर दिया है और अब बारी इनको रिलीज करने की। तो मैं एक एक करके नेट की मदद से सबको रिलीज कर देता हूँ।
ओके तो फिश को रिलीज करने के बाद अब हमारा खाली खाली टैंक एकदम भरा भरा लग रहा है, और फिलहाल तो मैं इनको ब्रीड करने के पर्पज से इसमें रख रहा हूँ इनको सेपरेट करके। एंड तुम लोग को एक्वा टेक्निक में मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा, तो तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल तो अभी तुम लोग इन्जॉय करो टैंक का लुक। Drowning in your eyes is my only prayer. तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप जाकर सिंपली मुझे फॉलो कर लेना। और कुछ भी मुझसे पूछना हो तो तुम लोग मुझे आप डीएम करके पूछ सकते हो। और जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गप्पी कुछ कहाँ से खरीदा, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पर जाकर तुम सिंपली डीएम कर लेना उनको। और जो भी तुम्हें गप्पी कुछ चाहिए वो तुम उनसे ले सकते हो, होम डिलीवरी मिल जाएगी तुम लोगों को ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। साथ में तुमको बोल देना कि तुम लोग मेरी वीडियो देख के आओ, या फिर द फिशी जोन 10 लिख देना बस मैसेज में, तो तुम लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हाँ, तुम लोगों को 1000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। फिर मिलता है किसी मस्त वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।